नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन काया बंधा अटल नगर रायपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है राज्य मंडी बोर्ड सेवा भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत। देखिए, दस्तावेज सत्यापन तिथि, साक्षात्कार तिथि सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक जिस पद हेतु साक्षात्कार लिया जाना है इधर दिया हुआ है। उस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें रोल नंबर दिया हुआ है कि जिस कैंडिडेट का नाम है उसमें दिया गया है। देखिए कौन कौन से पद के लिए, इन सभी का सहायक संचालक के पोस्ट में हुआ है, इनका सचिव वरिष्ठ के पद पर हुआ है। देखिए 4/11/2024 से 4/11/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी डेट पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार होगा। 38 लोग का आप देख सकते हैं, इस 4 तारीख को होगा। उसके बाद पुनः देखिए 5/11/2024 को फिर जो है 30 लोग का होगा। उसके बाद 6/11/2023 को आप देख सकते हैं 27 लोग का होगा। जो अभ्यर्थी सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ पद हेतु अथवा सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं, वे संलग्न प्रपत्र अनुसार व रीताक्रम अग्रमान्यता चयन कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। जिन पदों हेतु आपके द्वारा अग्रमान्यता दर्ज नहीं की जाएगी, उन पदों पर चयन हेतु आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। आपके द्वारा दी गई पदों की अग्रमान्यता में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा तथा अग्रमान्यता के आधार पर ही मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विज्ञापन क्रमांक के अनुसार कुल 30 पदों के लिए ज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन ज्ञापन के माध्यम से किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 95 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके लिए साक्षात्कार 4/11/2024 से 6/11/2024 तक आयोजित किया गया है। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार क्रम की तिथि इस प्रकार से आपने देखा, जिसमें 4/11/2024 को 38 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 11 से 5 बजे तक साक्षात्कार होगा। 5/11/2024 को 30 अभ्यर्थियों को और 6/11/2024 को 27 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कुल 95 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, केवल उसी जिस अभ्यर्थी का नाम रहेगा उन्हें जो है अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। उपरोक्त पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन साक्षात्कार के दिन ही किया जाएगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन कयाबंद अटल नगर रायपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। दस्तावेज के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको अपने संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज, स्थायी जाति निवास आय यदि निःसर्तजन है तो उन सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है उस सभी को लेकर के आपको जाना है। साक्षात्कार पत्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं, साक्षात्कार पत्र उसके लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार पत्र के लिए 4 दस्तावेज, जानकारी पत्र 1 प्रति में, अनुप्रमाणन पत्र 2 प्रति में, दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। ठीक है, अनुप्रमाणन पत्र पर सत्यापित कराना है राजपत्रित अधिकारी, मतलब राजपत्रित अधिकारी जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जो है प्रधान पाठक जो प्रिंसिपल है उनका आपको साइन करा लेना है। जो भी राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आते हैं उनका अनुप्रमाण पत्र, अग्रमान्यता प्रमाण पत्र, जानकारी पत्र, ठीक है, सभी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से सभी इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज दिया गया है जो कि आपको लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। ये रहा उपस्थिति पत्रक, इस पत्रक को भर करके लेकर के जाना है उपस्थिति पत्रक। उसके बाद साथ ही साथ आप देख सकते हैं, ये है जानकारी पत्रक, अध्यक्ष सोबिन कृपया बाल पेन से भरेंगे। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा अनुप्रमाणन पत्र, तो ये रहा अनुप्रमाणन फॉर्म, इसी में आपको राजपत्रित अधिकारी से साइन करा करके लेकर के जाना है। सभी चीज़ें आप जो है सावधानीपूर्वक भरेंगे, कारछाट नहीं करेंगे। पहचान प्रमाण पत्र इस प्रकार से देख सकते हैं, पहचान प्रमाण पत्र में भी आप राजपत्रित अधिकारी का साइन करा सकते हैं। और आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, इसमें आपको पूरा व्यक्तिगत विवरण भरना है। सभी दस्तावेज आप देख सकते हैं, यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अग्रमान्यता प्रमाण पत्र इस प्रकार से देख सकते हैं, इस सभी प्रमाण पत्र को आपके द्वारा भर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है। तो इस प्रकार से यही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं आज
नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।